साथियों, कहानी पर बात करनी है और एक कहानी बेहतर है याद आ रही है मुझे। उस कहानी का पाठ किए बिना तो कम से कम मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मैं शेयर करना चाहती हूँ भेड़िये कहानी भुवनेश्वर। कहानी एक बिंब बनकर मेरे सामने पहुंच रही, अपने गड्ढे को चलाता हुआ खारू बहुत तेजी से भाग रहा है रेगिस्तान के बीच में, और पीछे 200-300 भेड़ियों का झुंड है। जान बचानी है क्योंकि पछाड़ी बैल भी उतनी तेज नहीं भाग सकते, भेड़िये उनको कहीं ना कहीं से पकड़ लेते। और अपनी जान बचाने के प्रयास में किस तरह से बाप बेटा और तीन नटनियां जिन्हें वो बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं, सिर धड़की बाजी लगा रहे हैं, तीरों से शिकार किया जा रहा है भेड़ियों का, गोलियां चलाकर उन्हें हताहत किया जा रहा है, लेकिन भेड़िए हैं कि संख्या में कम होने के बावजूद दूने तेजी से उनके पीछे लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं क्रमशः। तीनों नटनियों को फेंक दिया ताकि गड्ढा हल्का हो और तेजी से भाग सके। तीन बैलों में से पहले एक बैल को खोला, भेड़िए उसे अपना आखेट बनाए, आहार बनाए, क्षुधा शांत हो तो शायद रुक जाए, लेकिन नहीं रुके। एक बैल, दूसरा बैल, तीनों नटनियां, घर गृहस्थी का सारा सामान, गड्ढा फूल की तरह हल्का हो गया है, लेकिन भेड़िए हैं कि तादाद में कम होने के बावजूद गड्ढे के बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, आसन्न मौत की तरह। और फिर एक निर्णय का क्षण कि बाप बेटे में से किसी एक को उतरना पड़ेगा गड्ढे में, और क्षण निर्णय का क्षण है, द्वंद्व का क्षण नहीं है। और उसी क्षण बाप उतरता है कि तुम संभालो गड्ढे को, अगर निरापद जगह पर लेकर जाओ। और उसके बाद 70 बरस का खारू, जो उस समय एक युवा खारू था, वह अब अपनी कहानी सुनाता हुआ कह रहा है, मैं भेड़ियों से नहीं डरता। भेड़िया बहादुर है वो मानता है, भेड़ियों का आखेट उसने किया है अकेले अपने दम पर, उसने सैकड़ों भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन भेड़िया कोई सामान्य चीज नहीं है। भेड़िया शेर की तरह अकेले अपने बूते शिकार करता होता तो शायद उसको हताहत करने की कई योजनाएं बनाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ भेड़िया प्रतीक के रूप में उभर रहा है। क्योंकि मैं नहीं मानती कि एक साहसिक रोमांचिक कथा भर लिखी हुई है भुवनेश्वर, इसे प्रतीक के रूप में मैं देखती हूँ, तभी मुझे इसकी सार्थकता समझ आती है। और मुझे प्रतीक दिखाई पड़ता है कि ये भेड़िए एक उन्माद का, जुनून का प्रतीक है, ये भेड़िए बर्बरता का प्रतीक है, ये भेड़िए अपनी ताकत के दंभ का प्रतीक है, ये भेड़िए अपने अलावा हर किसी जीवंत प्राणी को अपना आहार मानने के निश्चित विश्वास का प्रतीक है। और ये सब चीजें मिलकर जब एक सांगठनिक ताकत का रूप ले लेती है, तब वह फासिस्ट ताकतों के रूप में उभरता। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां इस ठीक इसी विभीषिका के साथ हमारा कहानीकार वक्त के साथ मुठभेड़ कर रहा है। अकेले अपने दम, निर्णय का क्षण है, द्वंद्व का क्षण जब भी आएगा, वह उन भेड़ियों के मौत का ग्रास बनेगा। उसे इस दौरान सब कुछ छोड़ना है, अपनी चल अचल संपत्ति का मोह, अपने पूर्वाग्रह, अपने अनुराग, संबंध, अपनी जीविका के साधन, क्योंकि इस भीड़ के बीच से यदि वह वक्त को निकाल कर ले गया तो फिर भेड़ियों के खौफ के बाद वह एक राज्य की स्थापना करेगा जहां मनुष्य की सत्ता केंद्र में। मैं जब आज की कहानी का पाठ करती हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक यही सब चीजें तो प्रतीक रूप में आई है, यह भेड़िए व्यवस्था का रूप बने। धर्म, राजनीति, संस्कृति, समाज व्यवस्था, कहीं मनुवादी व्यवस्था के रूप में प्रश्न बनकर उभर रही है, कभी वर्ण व्यवस्था के रूप में, कभी वह उपभोक्तावाद के साथ आ रही है तो कॉर्पोरेट कल्चर और बाजार के साथ जुड़कर वह कैपिटलिज्म को एक नए ढंग से प्रतिष्ठित कर रही है और हमारे भीतर लालसाओं के बंजर को बो रही है। कहीं वह धार्मिक उन्माद के साथ जुड़कर जब हमारे भीतर की हिंसा को जोड़ रही है तो वह सांप्रदायिक हिंसा का रूप लेकर, सांप्रदायिक आतंक और निशंसता का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी है। इन सब सवालों के साथ तो मुझे भेंट करना बनता है, इन सब सवालों
कि अनदेखी करना अपने वक्त को भूलना नहीं है, अपने वक्त से पलायन करना है। और कोई भी संवेदनशील प्रबुद्ध प्राणी अपने जीने की शर्त सांसों की डोरी में नहीं मानता, वह वक्त के साथ अपने संबंधों को गुनने बुनने और प्रगाढ़ करने में मानता। मैं हिंदी कहानी को बहुत सकारात्मक नोट पर लेती क्योंकि वहां पलायन की, आत्मरति की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। वह वक्त की समीक्षा है, वह व्यवस्था की शिनाख्त है और अपने समय को रचने का एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा उद्योग प्रयास। यहां मैं एक बात और बताना चाहती हूं कि कहानी में से हम क्या हम अस्मिता विमर्श को निकाल दें? प्रश्न मेरे मन में उठता है, चिंता बनकर, परेशानी बनकर और एक बहुत गहरी असहमति बनकर कि अस्मिता विमर्श, खासतौर पर दलित विमर्श और स्त्री विमर्श पर गाज ज्यादा गिरती है और स्त्री होने के नाते उस गाज को मैं वहन करती हूं, कि क्या लॉजिक दिया जाता है कि इन विमर्शों के आने के बाद साहित्य का समग्र चरित्र भंग हो गया है? क्या अस्मिता विमर्श साहित्य के समग्रता में सेंध लगाने के लिए? यदि ऐसा है तो क्या हम सवर्ण संभ्रांत अभिजात पुरुष के साहित्य को ही आज तक साहित्य माने? यदि स्त्रियां, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपने अपने धरातल पर खड़े होकर अपने अपने कोण से अपनी बात कह रहे हैं और वह बातें सुनकर यदि एक दूसरा वर्ग तिल मिला रहा है तो इसका अर्थ यह भी तो लगाया जाना चाहिए कि सदियों से उनकी बातें सुनकर ये सारे वर्ग उतनी ही तिल मिला रहे हैं। यानी कहीं हम आधे को, आधे के भी चौथाई को एक समग्र मानने का ढोंग या बोझ लेकर चले थे और आज अस्मिता विमर्श हमें बता रहे हैं कि उस पूरे चांद को पूरा करने के लिए हमें उन टुकड़ों को जोड़ना। तो इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि अस्मिता विमर्श आज की बहुत गहरी जरूरत है, बहुत संवेदना पूर्वक इस पर विचार करने की, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा विमर्श है जो साहित्य के इकहरे और अधिनायकवादी चरित्र को ध्वस्त करके बहुलतावादी और लोकतांत्रिक चरित्र को भरता है। और यह हमारी आज की कहानी या कथा साहित्य के बहुत बड़े उपलब्धि। मैं कहानियों पर सिद्धांतिक रूप से बात करने की बजाय सोचती हूँ क्यों ना कहानियों के जरिए बात की जाए। कहानी के कथा में बिना भीगे प्रवेश करना तो यूं ही गलत है। कहानियों के रस के साथ चलते हैं, रस अपने आप अर्जित करेंगे। मैं सिर्फ इशारे भर करती हूँ और सिर्फ मैंने चार पांच कहानियों की बात करूंगी और मैं उन कहानियों को लेना चाहती हूँ जो आज के दौर में बिल्कुल अभी पिछले 5-7-10 साल में रची गई कहानी मुझे बहुत पीछे 150-175 साल पीछे ले जाए और उस परंपरा में कहीं अपने आप को विन्यस्त करके मुझे एक बड़े कालखंड को समझने की एक गहरी समग्र समझ। मैं सबसे पहले विमर्शों की ही बात शुरू करूं तो मैं बात करूंगी कैलाश वानखेड़े की कहानी, एक नहीं कई कई कहानी स्मृति में लाने के लिए मैं नाम भर बता रही हूँ। सत्यापन, सत्यापित, अंतर्देशी, तुम लोग और अभी अभी परिकथा में आई उस मोड़ पर कहानी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक 150 साल पहले ज्योतिबा फुले की लिखी एक रचना, कहानी नहीं है नाटिका है, तृतीय रत्न की याद आ रही। एक छोर पर ज्योतिबा फुले उतनी ही शिद्दत के साथ वर्णाश्रम व्यवस्था को छोड़ रहे हैं और दूसरे छोर पर उतनी ही गहरी समझ पड़ताल और संवेदना के साथ इस मुद्दे को कैलाश वानखेड़े उछा रहे हैं और बीच में दलित लेखन की पूरी परंपरा है। मैं चाहकर भी सलाम और 25 चौका 150 को नहीं ले पा रही हूँ, मैं चाहकर भी बहुत सी कहानियां नहीं ले पा रही हूँ। मैं सिर्फ उल्लेख कर रही हूँ निराला का चतुरी चमार कहानी के माध्यम से और प्रेमचंद की दलितों पर लिखी कहानियों के। यह पूरी अनवरत परंपरा हमें बता रही है कि किस तरह से यह यात्रा शुरू हुई है। जाति को समझना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जातीय संरचना के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझना।
जाति की समझ हमारे भीतर जातीय अभिमान भी पैदा करती है, हमारे भीतर ठगे जाने का एक प्रतिशोध मूलक भाव भी पैदा करती है और वह जातीय हिंसा में विघटित हो सकती है। लेकिन जब हम जाति संरचना को पहचानते हैं तब हम पूरी व्यवस्था की गहराई में जाकर अपने अपमान को, प्रतिशोध को बहस का एक मुद्दा बनाते हैं। बहस जहां हम सभी अपने अपने पूर्वाग्रहों को, अपने अपने विशिष्ट स्थितियों को अपदस्थ करके एक मनुष्य के रूप में बात करें कि जाति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है या जाति हमें समाज में कहीं स्थित कर रही है, तब जाति के रूप में अपनी आइडेंटिटी कोई भी मनुष्य स्वीकारना नहीं चाहता। कैलाश वानखेड़े में यह बोध है प्रतिशोध को बहस में ढालने का, हिंसा को एक रचनात्मक स्वप्न में बुन लेने का। ठीक वह बात जो हमें ज्योति बाफुले में दिखाई पड़ती है, लेकिन ज्योति बाफुले अपने आक्रोश को थिरा नहीं पाए हैं। और मैं इसको दो छोटे छोटे उदाहरणों के रूप में लूंगी। कैलाश वानखेड़े सबसे पहले इनकी कहानियों में जो मुझे खूबी नजर आती है, क्योंकि यह बहस को मुद्दा बनाते हैं, अपनी कहानियों में वो कोई नायक नहीं करते। मुझे उनकी सारी कहानियों को पढ़ने के बाद लगा कि उनके पास सिर्फ एक नायक है, हर कहानी में रिपीट हो रहा है उतने ही मजबूती के साथ, और वह नायक है सवाल। वो सिर्फ प्रश्न उठाते, और बहुत बड़ी खूबी है कि आप एक सवाल को समय से उछे हुए, समय को बींधने वाले और समय का अतिक्रमण करके अपनी एक जगह बनाने वाले सवाल को एक नायक के रूप में खड़ा कर रहे हैं। और उस नायक के साथ हमारे भीतर के, हमारे अड़ोस पड़ोस के, हम सब के भीतर के अंतर विरोध, दुर्बलताएं और आकांक्षाएं जुड़कर उसे एक मूर्त रूप दे। और दूसरी बड़ी खूबी, इसे मैं एक प्रतीक के रूप में, एक स्थूल प्रतीक के रूप में लेना चाहूंगी, वो किसी गंगवा को, किसी घीसू को, किसी रमुवा को, किसी कलुवा को अपना नायक नहीं बना, क्योंकि रमुवा या गोबर, वो गोबर नहीं है, वो गोवर्धन है। नामों के सहारे हम किसी की जातिगत, किसी की आर्थिक पहचान साबित करने की एक बहुत बड़ी परंपरा को ढोते चलते हैं। हमें सबसे पहले अपने पूर्वाग्रहों को उखाड़ फेंकना होगा, इसीलिए वो अपने पात्रों को नाम देते हैं असीम, दीपशिखा, ज्योति प्रभा। ठीक वही नाम जो अभिजात वर्गों में, उच्च जातियों में नाम प्रयुक्त किए जा रहे हैं। यह सायास गढ़ी एक युक्ति है जो मनुष्य को नाम के साथ उसकी वर्गगत जातिगत पहचान में बांधने के षड्यंत्रों का निषेध करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की कहानी कहीं दलित विमर्श को एक बहुत ऊंचे बहस के मुकाम पर लेकर गई है, और वहीं से हम सबको अपनी अपनी मनुष्य की आइडेंटिटी को देखने का आग्रह कर रहे हैं। एक और कहानी सत्यनारायण पटेल की कहानी, लाल छींट वाली लुगड़ी का सपना। मैं ये कहानी पढ़ूंगी तो मुझे गोदान याद आया, और गोदान का न होरी याद आया, न गोबर याद आया, मुझे तो गोबर का बेटा याद आया। छोटा सा बेटा, 36 साल की उम्र में यदि उपन्यास लिखा गया है और हम माने कि वो पात्र उस समाज में जी रहे हैं, तो वो मंगल, छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, मुझे लाल छींट वाली लुगड़ी का सपना कहानी पढ़ते हुए याद आया कि मंगल किसके सपने का वहन कर रहा होगा, अपने दादा के सपने का, गाय के सपने का। और अगर कहानी का नायक डूंगा मंगल के ही वंश परंपरा में आता है तो वह मंगल का पोता होगा या पड़पोता होगा। तो आज उसकी वंश परंपरा की तीसरी चौथी पीढ़ी का सपना क्या है? सिर्फ एक लाल छींट वाली लुगड़ी लेने का सपना। कहां भिला गया गाय का सपना? गाय क्या हैसियत से, रीढ़ से बहुत बाहर की चीज हो गई? यदि हो गई तो हम जिस आर्थिक प्रगति का दंभ भर रहे हैं वह गांव तक, किसान तक, मिट्टी से जुड़े व्यक्ति तक किस रूप में पहुंच रहे हैं, और उस सपने को भी वह कहां खरीद पा रहा है, अपने पिता के सपने को वहन कर रहा है। लाल लुगड़ी पहले माँ के लिए जुटाना चाहता था, अब अपनी पत्नी के लिए, लेकिन एक लाल छींट वाली लुगड़ी वह नहीं जुटा पा रहा। मुझे डूंगा के बरक्स
पूरे देश भर में आत्महत्या करते किसान ज्यादा। सत्यनारायण पटेल उन किसानों की त्रासदी को लेकर नहीं आते, लेकिन आत्महत्या करने से पहले वो किस द्वंद्व, किस दृढ़ता और किस तरह के दबावों के बीच में घिर रहे व्यक्ति को उकेरना चाहते हैं, वह इस कहानी के डूंगा पात्र के माध्यम से करते हैं। सपना तो है, सिर्फ लाल छींट वाला ही नहीं है, लुगड़ी लेने का ही नहीं है, किसानों के पास एक और सपना है। वह सपना गाय की तर्ज पर कार लेने में अनुदित किया जा सकता है, लेकिन कौन किसान कार लेगा? डूंगा जैसा जो अपनी जमीन बचाने की जिद में माधव राव सप्रे के छोटी सी कहानी टोपी भर मिट्टी की बुढ़िया की तरह दम ठोक कर खड़ा है? नहीं, उसके हिस्से तो उसका सपना भी पूरा होना नहीं आएगा। आज कार वही ले पा रहा है जो अपनी जमीन को मुंह मांगे दाम पर बेच रहा है पूंजीपति। और सत्यनारायण पटेल डूंगा से फोकस हटाकर जब दूसरे किसानों पर शिफ्ट करते हैं तो मुझे इस एनसीआर के गांवों में रहने वाले किसानों की दशा में दिन रात का परिवर्तन दिख पड़ता है। वो किसान जो अपनी जमीनें करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं, आज वो अपने वो किसान खेत को लहलहाते फसलों की जगह बहुत आलीशान बंगले बना रहे हैं। घरों में कई कई बड़ी कारें हैं, एसयूवी है उनके पास। इस उसके बाद वो ले रहे हैं गन, और इससे भी उनका सोशल स्टेटस ठीक नहीं हो रहा है तो वो ड्रग्स ले रहे हैं। यह आज के किसान का एक दूसरा चित्र हमें दिखाई पड़ रहा है। एक डूंगा है, एक इस तरह का किसान है जिसे हम हर रोज देख रहे हैं, और इसके पीछे पूंजीवाद का प्रसार है। यह पूंजीवाद, इसकी एक झलक, एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी के रूप में झलक, मैं आज भी उस कहानी को नहीं भूल पा रही हूँ। और क्योंकि पंकज बिष्ट जी बैठे हैं तो मुझे बहुत संकोच भी हो रहा है उस कहानी, संकोच और गर्व दोनों, कि बच्चे गवाह नहीं हो सकते। मैं जिस उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार को मीडिया के माध्यम से उन्होंने घर घर में आते हुए दिखाया, उसके नकारात्मक प्रभावों को गूंथा है बहुत प्रतीकात्मक ढंग से, वो आज अपनी प्रतीकात्मकता सांकेतिकता खोकर बहुत निर्लज्ज रूप से हमारी अपनी आइडेंटिटी बन गई। इसीलिए आज गांवों का युवक सिर्फ एक अपराधी के तौर पर, एक कुपढ़ नागरिक के तौर पर अपनी आइडेंटिटी को लोगों के सामने नहीं करा। मैं कहानियों का और भी जिक्र करना चाहती हूँ। देवेंद्र जी ने तो घड़ी दिखा दी और मैं तो अभी मुझे लग रहा है कि मैंने सब टेक ऑफ किया है। मैं कुछ संकेत था देना चाहती हूँ। पानी कहानी मनोज पांडे की, मनोज कुमार पांडे की, वह इन सबसे कहीं बहुत गहरे उतर कर पूरे के पूरे युग को ले रही है कि किस तरह से एक, इस कहानी में एक मगन ठाकुर नामक व्यक्ति तालाब को ही नहीं पाट रहा है। तालाब को पाटना मात्र जमीन को हथियाना भर नहीं है। तालाब को पाटकर जिस तरह से वह पंप के माध्यम से खेती के लिए पानी का जुगाड़ करता है, वह इस कहानी का मंतव्य नहीं है। पानी बेचकर, पानी की तिजारत करके वह गांव के किसानों से पूंजी बटोर रहा है, वह इस कहानी का लक्ष्य नहीं है। किस तरह से पंडित, पुलिस, प्रशासन सब उस ठाकुर मगन के साथ का साथ देकर समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं, यह इस कहानी का लक्ष्य नहीं है। हालांकि हमें ऊपरी तौर पर यह सब दिखाई पड़ रहा है, असल में इस कहानी का लक्ष्य यह है कि पूंजी और सत्ता का गठजोड़ किस तरह से गांव के सहकारी चरित्र को ध्वस्त करता हुआ नीतिगत निर्णयों की आड़ में सत्ता के हित साधक स्वार्थों की पूर्ति कर रहा, और इस तरह से यह कहानी कहीं क्रॉनी कैपिटलिज्म के उत्थान की कहानी बन जाती है। इस कहानी को इस रूप में पढ़ें तो हम अपने वक्त की आहटों को भी देख सकते हैं, और जिन खतरों से हम घिरे हैं हम उन खतरों को भी बहुत अच्छे से पहचान कर एक विकल्प ढूंढ सकते हैं। मैं सारी कहानियों को खारिज कर रही हूँ जो मुझे लेनी है। मैं सोचा था शायद 4-5 कहानियां दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगी। योगेंद्र आहूजा की कहानी स्त्री विमर्श को लेना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ आखिरी एक मिनट में सिर्फ इस बात का संकेत करती हूँ कि अगर हम आज की कहानी इन बिंदुओं पर उठा रहे हैं तो इस कहानी ने अपने लिए शिल्प भी नया गढ़ा है। कहानी गांव में शिफ्ट हुई है, कहानी आज किस्सों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से
सत्यनारायण पटेल की कहानियों में तो एक चीज बहुत उफान पर रही है, किस्सा गोई आज की कहानी का एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाला गुण है। यह हमें भीतर तक परंपरा तक जोड़ता है। यह जो पूंजीवाद हर चीज को यकसा कर रहा है, बिल्कुल एक सबकी पहचान, सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय पहचान, मनुष्य की पहचान सबको खोकर यह हर गली को, हर मॉल को, हर मोहल्ले को, हर बाजार को एक चरित्र दे रहा है। कहीं यह लोक कथाओं को रिवाइव करना उस यक्षा पहचान के विरुद्ध छेड़ा गया एक आंदोलन है जो हमें इस आज की कहानी के शिल्प में दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी दूसरी बात जो आज के शिल्प में हमें दिखाई पड़ रही है कि आज जादुई यथार्थवाद का सहारा लेकर रचनाकार कहानियां बन रहा है। अचानक लकड़ सुंघवे आते हैं, अचानक कुछ जादू होता है, और लेकिन यथार्थ के धरातल पर वो सब चीजें हम उनको उनके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे दर्द की लहर अचानक नहीं आई, क्रमशः हमारे भीतर पनपी है, बोध हुआ है, उसने हमें आक्रांत कर लिया है, और जो दर्द की लहर, पीड़ा की लहर सवाल उठाकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनी है, वो अब किसी भी प्रभाव से बहुत जल्दी नहीं बिला जाएगी। तो इनका असर समुद्र के पानी की तरह जो धीरे धीरे गर्म होता है और उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होता है, यह एक कहानी के शिल्प की विशेषता है जो हमारी चेतना को तब तक उस बिंदु के व्यग्रता के बिंदु के इर्द गिर्द लपेटे रखता है जब तक हम मिलकर सामूहिक संवाद के साथ उसकी कोई समाधान न निकाल। और अंतिम चीज कहानी के शिल्प की, मुझे लगता है कि कहानियों में संवेदना और भाव प्रवणता की जगह लेखकों ने बौद्धिकता, संश्लिष्टता, विश्लेषण परकता को ज्यादा जगह दी। इसलिए आज हमारे पास प्रेम कहानियां नहीं, हमारे पास सवाल उठाती कहानियां, लेकिन यह समय शायद अभी इन सवालों से जूझने का है। नहीं तो प्रेम कहानियां हम ढूंढें, आसपास हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो भी प्रेम कहानियां इन्हीं प्रश्नों के भीतर कैद है। मैं एक कहानी का नाम लेना चाहूंगी, सिर्फ रंग महल में राधा नाची, नीलाक्षी की और तरुण भटनागर की, जो नाम मैं अक्सर गलत बोल देती हूँ, बीते शहर से गुजरते इन कहानियों में हमें प्रेम और एक पूरा सिस्टम उलझा हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद रोहिणी। रोहिणी